मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया ऑर्लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सफल होइए, यही हमारी कामना और कार्य करने का उद्देश्य है। मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन फ्रेजेज एंड इडियम्स, आइए शुरू करते हैं। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है बहुत दूर। एग्जाम्पल देख लीजिए, वीक्ड मैन ऑलवेज शुड बी कैप्ट एट आर्म्स लेंथ। चरित्रहीन आदमी को हमेशा बहुत ही दूर रखा जाना चाहिए या चरित्रहीन आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए, इस तरह से भी इसका बहुत दूर रहना चाहिए, इस तरह से इसका हिंदी समझते हैं। एट होम इन का मतलब होता है परिचित या निपुण। देख लीजिए, ही इज थर्ली एट होम इन मैथमेटिक्स, मतलब वह अत्यधिक मतलब मैथमेटिक्स में वह गणित में बहुत ही निपुण है, इस तरह से इसका हिंदी होगा। एट लार्ज का मतलब होता है मुक्त या पूर्णतः या स्वतंत्र रूप से। देखिए, अ पैरोट इज एट लार्ज, मतलब तोता मुक्त है। ही इज अ जेंटिल मैन एट लार्ज, मतलब पूर्णतः वह एक भद्र व्यक्ति है, शील व्यक्ति है। देखिए, एट लेंथ का मतलब होता है आखिर में या पूर्ण रूप से। एट लेंथ द रॉबर वाज अरेस्टेड, आखिर में डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, एट स्टेक का मतलब होता है खतरा में, मतलब हिज लाइफ इज एट स्टेक, उसकी जिंदगी या उसका जीवन खतरे में है। देखिए, एट वंस बेक एंड कॉल, पूर्ण नियंत्रण में। करा द सर्वेंट इज एट द बेक एंड कॉल ऑफ हिज मास्टर, नौकर अपने मालिक के पूर्ण नियंत्रण में है। देखिए, एट वंस विट्स इंड, मतलब बिल्कुल घबराया हुआ। देखिए एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉज एट हिज विट्स इंड फॉर मनी, एक बूढ़ा आदमी पैसा के लिए बहुत ही घबराया हुआ था, बिल्कुल घबराया हुआ था पैसा के लिए। एट रेंडम का मतलब होता है निरुद्देश्य। ए मैड मैन टॉक्स एट रेंडम, मतलब एक पागल व्यक्ति बिना उद्देश्य की बातें करता है। उसके बाद देख लीजिए, एट ऑल रिस्क का मतलब होता है जो कुछ भी खतरा हो। I will do it at all risks, मैं इसको किसी जो भी कुछ खतरा हो मैं इसको करूंगा। At sixes and sevens, मतलब तितर बितर। He went away leaving the books at sixes and sevens, मतलब वह किताबों को तितर बितर छोड़कर चला गया। देखिए, at the 11th hour, मतलब अंतिम क्षण में। A doctor was sent for at the 11th hour, अंतिम क्षण में डॉक्टर को भेजा गया। एट बेस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक या अनुमानतः। लाइफ इज एट बेस्ट वेरी शॉर्ट, एग्जाम्पल में कह रहा है कि अनुमानतः जीवन जो है बहुत ही छोटा है। एट वंस इल्बो का मतलब होता है बगल में या सन्निकट। एग्जाम्पल देखिए, ही वुड हैव हिज फ्रेंड्स ऑलवेज एट हिज एल्बो, मतलब वह हमेशा अपने मित्रों के पास होगा या उसके मित्र हमेशा उसके पास होंगे, इस तरह से इसका हिंदी समझते हैं। देखिए, एट वंस स्वीट विल का मतलब होता है स्वेच्छा। कह रहा है द टीचर शुड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू गो आउट एट दियर स्वीट विल, मतलब टीचर को ऐसा आज्ञा नहीं देना चाहिए कि स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो हैं अपने स्वेच्छा से बाहर चले जाएं। कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ, मतलब बिंदु पर। ही वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, वह मरने के कगार पर था या मरने के बिंदु पर था, इस तरह से। एट द टॉप ऑफ का मतलब ऊंचे स्वर में। देखिए एग्जाम्पल, सी शाउटेड, वह चिल्लाई एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, अपने आवाज में बहुत ही ऊंचे स्वर में उसने चिल्लाया, क्या वह चिल्लाई। एट वेरियंस, एट वेरियंस विथ का मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध। हिज एक्ट्स आर द वेरियंस विथ हिज वर्ड्स, उसकी अभिनय उसके शब्दों के विरुद्ध है या विपरीत है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। देखिए, अकॉर्डिंग एज का मतलब होता है अनुपात में। वन इज गुड अकॉर्डिंग एज ही डज गुड, एक अच्छा है चाहे कोई अच्छा है उसके अनुसार वह अच्छा करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार या ख्याल में। एवरी बॉडी इज बॉर्न अ सिनर अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात पापी होता है। देखिए, आई डिड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस, मैं आपके अनुसार ही इस काम को किया, मैंने इस काम को आपके ख्याल में ही किया, आपको ख्याल में रखते हुए, आपके निर्णय को आपके सलाह को ख्याल में रखते हुए इस काम को किया।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब वास्तविक रूप में, देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राजा डिड नॉट हेल्प मी एट ऑल, वास्तविक रूप से राजा ने मुझे मदद नहीं किया, बिल्कुल मदद नहीं किया, राजा ने मुझे बिल्कुल मदद नहीं किया, वास्तविक रूप से, वास्तविक रूप में राजा ने मुझे बिल्कुल ही मदद नहीं किया। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कारण से, राधा कुड नॉट गो टू ए स्कूल बिकॉज ऑफ हर इलनेस, राधा उसकी बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी। देखिए बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है द्वारा, आई पास्ड रेलवे एग्जाम बाई डिंट ऑफ हार्ड लेबर, मैं रेलवे परीक्षा पास किया बहुत ही मेहनत के द्वारा। कह रहा है बाई वे ऑफ मतलब रूप में, आई टोल्ड यू दिस मैटर बाई वे ऑफ एडवाइस, मैंने आपको यह बात कही एक सलाह के रूप में, मैंने यह बात आपसे कही। देखिए बाई द साइड ऑफ मतलब बगल में, देयर वेयर बिल्डिंग बाई द साइड ऑफ रिवर, नदी के बगल में इमारत थे। करा बाई फोर्स ऑफ मतलब शक्ति के द्वारा, देखिए ही रोज हाई इन लाइफ बाई फोर्स ऑफ लेबर, वह परिश्रम के शक्ति के बल पर लाइफ में जीवन में आगे बढ़ा, बहुत ऊंचाई तक गया। देखिए आगे देखते हैं, बाई वर्चू ऑफ का मतलब होता है निहित गुण द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ऑनर्ड बाई वर्चू ऑफ ऑनेस्टी, राजेंद्र प्रसाद में ईमानदारी उनमें निहित रूप से समाहित थी, उनमें समाहित थी, इस कारण उनको आदर मिलता है। चाहे राजेंद्र प्रसाद ईमानदारी के कारण, ईमानदारी के गुण निहित होने के कारण आदरणीय थे। देखिए बाई मीन्स ऑफ का मतलब होता है से या वस्तु द्वारा, द रिच गॉट ऑनर बाई मीन्स ऑफ वेल्थ, धनी जो होता है अपने धन के कारण इज्जत पाता है, ऑनर पाता है। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है शीघ्र, ही विल बी हियर बिफोर लॉन्ग, मतलब वह शीघ्र ही यहाँ होगा। देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सभी सामानों के साथ, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, अंग्रेज जो थे भारत को सभी सामानों के साथ छोड़ गए। देखिए बिहाइंड वंस बैक मतलब पीछे में, डोंट स्पीक इल ऑफ ए मैन बिहाइंड हिज बैक, किसी भी व्यक्ति को उसके पीछे में उसे बीमार नहीं कहना चाहिए, चाहे बीमार नहीं कहिए। उसके बाद देखिए बियॉन्ड डाउट या बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस मतलब निसंदेह, बियॉन्ड डाउट ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, बिना संदेह निसंदेह वह एक ईमानदार लड़का है। देखिए बेड ऑफ रोजेज मतलब आराम या विलासिता की अवस्था, द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, प्रधानमंत्री का पद एक आराम का पद नहीं है या विलासिता की अवस्था वाला पद नहीं है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है चमड़े पर काला, काला या नीला दाग। करा ही बीट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, उसने लड़के को काला और ब्लू रंग से हराया, नीले रंग से हराया। करा है खेल के मामले में करा है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित, हियर इज आवर डिमांड इन ब्लैक एंड राइट, यहाँ हम लोगों का मांग है लिखित रूप में, यहाँ हम लोगों का मांग लिखित रूप में है, यहाँ लिखित रूप में हम लोगों का मांग है, चाहे हम लोगों की मांग लिखित रूप में यहाँ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, आप सबों का दिन मंगलमय हो।